ये नज़ारा है दिल्ली के बवाना इलाके का, जहां पर एमसीडी के कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद के साथ साथ मोदी और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनकी ये नाराजगी लाजमी है, क्योंकि इन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। यूं तो ये कर्मचारी काफी दिनों से केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी जो मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की, ये पूरी नहीं हो रही, ना हमारी सैलरी आ रही। 3-4 महीने हो गए हैं और बड़ी दुख से गुजर रहे हैं। 20 साल से पक्का नहीं किया जा रहा, ना ये बेचारे कच्चे के कच्चे हैं, ना इनको पक्का करा जा रहा, ना इनको ड्रेस, ना जूता, कुछ कपड़ा कहीं नहीं दिया जाता। और ये गंदगी का काम इतना करते हैं और इनकी तनख्वाह भी नहीं दी जाती। जो हमारा केजरीवाल बिठा रखा हमारे ऊपर और जो सरकार बैठी है हमारे ऊपर, वो हमारे साथ अन्याय कर रही है। बड़ा दुख हमारे साथ हो रहा है। 3 महीने से वेतन ना मिल पाने पर केजरीवाल सरकार और एमसीडी आमने सामने आ गई है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने एमसीडी कर्मचारियों को उनकी पूरी राशि दे दी है, वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का आरोप है कि ये पैसा ठेकेदारों को दिया गया है, कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं दिया गया है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारी इसलिए हो रही है, 20-20 सालों के हमारे कर्मचारियों को कच्चे हुए, कच्चे पड़े हैं, जो पक्के नहीं हुए आज तक ही। सैलरी की 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती और जो बकाया रही 1800 पे ग्रेड का जो प्रमोशन का है वो नहीं दिया गया हमारा आज तक ही। बढ़ती नहीं दी गई, कैशलेस कार्ड नहीं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते कहाँ जाए। हमारे को कोई इंदौराव जैसे हॉस्पिटल, घटिया हॉस्पिटल लगाए गए हमारे ऊपर, जो कि हमारे को बढ़िया हॉस्पिटल दिए जाए, और जो कैशलेस कार्ड है हमारे को तुरंत दिए जाए, और जो पैसा जो हमारा एरियर का पैसा है वो दिया जाए। जो कर्मचारी 2003-2004 वाले जो कर्मचारी हमारे पक्के हैं उनका एरियर दिया जाए। इसके साथ ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी का कहना है कि दिल्ली सरकार उनके साथ बहुत गलत कर रही है। 20 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। कर्मचारी इतनी गंदगी उठाते हैं, उन्हें कोई ड्रेस तक नहीं दी जा रही है। इन सभी दिक्कतों के बीच एक और बात जो बेहद गंभीर है वो ये कि दिल्ली की आम जनता, जिसका कोई कसूर नहीं है, आसपास फैलती गंदगी से परेशान है। दिल्ली की सूरत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और केजरीवाल सरकार है कि बस चिकना घड़ा बनी हुई है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ प्रियंका शर्मा की रिपोर्ट।